अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड से रिलेटेड। क्लास है 7, यूनिट 3, और इसका है इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम इन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो हम देखते हैं लिखा है क्या, यूज़र कैन इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम इन टू अ डॉक्यूमेंट, वर्ड कैन ऑटोमेटिकली अपडेट द डेट एंड टाइम ईच टाइम वेन ओपन आर टेक प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यूजिंग डेट एंड टाइम फीचर्स। ओपन सेव डॉक्यूमेंट्स, सेट द जूम टू 100%, क्लिक द प्लेस वेयर द डेट एंड टाइम शुड बी अपीयर इन द डॉक्यूमेंट्स। तो इंशाल्लाह मैं इस आपको लोगों को साथ साथ इसका प्रैक्टिकल भी कराता जाऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक डेट एंड टाइम, द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, क्लिक द डेट एंड टाइम फॉर्मेट लाइक दिस। तो ये हम इंशाल्लाह इसको वर्ड की फाइल डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये सपोज हमने इसको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स खोलें, इंसर्ट को क्लिक करें, तो ये इस साइड पे आप देखें यहाँ डेटा टाइप है। तो आप अपनी मर्ज़ी का मुख्तलिफ फॉर्मेट में, मसलन जैसे फ्राइडे दिसंबर 16, तो आज की जैसे करंट है डेट एंड टाइम इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मैं किसी और फॉर्मेट में डालना चाहता हूँ, तो तब फिर दोबारा आप जाएं और इसको इस फॉर्मेट में डाल दें दिसंबर 16 तो 19, ठीक है। तो जो पहले वाला है उसको डिलीट कर दें। सपोज मैं इसको कट कर देता हूँ, तो इसको आप बैकस्पेस से डिलीट कर दें। तो ये देखें, या आप मुख्तलिफ फॉर्मेट में आप जैसे उसमें दर्ज है कि डेट एंड टाइम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद कितने टर्न दिस ऑप्शन ऑन, ऑन किया जिस तरह ये इसको ऑप्शन को ऑन करना है, और इसको अप यानी कि जो आपकी डेट एंड टाइम है ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता रहेगा। जब आप प्रिंट खोलेंगे, जब आप दोबारा किसी मसले आपने सेव कर लिए, अब दोबारा इसको खोलना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका डेट और टाइम जो है वो जो है अपडेटेड है। तो इसमें यह है द सेलेक्ट डेट एंड टाइम फॉर्मेट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह हमारे भी, हमने जो इंसर्ट किया हमारा भी डेट एंड टाइम जो है इसको अपीयर किया। तो ये डेट है, इसमें हम यानी कि टाइम अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसको और यानी कि अलहदा फॉर्मेट में लिख लें। ये देखें जी, ये जो है ये टाइम को फॉर्मेट में डाल देगा ये। तो ये डेट है और ये टाइम है, करंट टाइम है। तो ये उस वक्त करंट टाइम को शो करेगा जब आप जो है दोबारा इसको रीओपन करेंगे। अभी जो है 2:42 हुए, तो ये यानी कि आफ्टरनून का टाइम है, तो वो शो कर रहा है। तो हम आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है, काउंट वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट्स, कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड हैं और उसको किस तरीके से काउंट करना है। हम इसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। व्हेन अ यूजर टाइप्स अ डॉक्यूमेंट्स वर्ड ऑटोमेटिकल काउंट द नंबर ऑफ द पेजेस एंड वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम ऑन द स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ द वर्क प्लेस। ये जो है ये इंडिकेशन दिया गया है। देखें इस वर्ड में, डॉक्यूमेंट्स में 127 वर्ड हैं और एक पेज है, ठीक है। तो इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो देखते हैं। ये देखें, हम नीचे जाके इसके देखते हैं कि ये देखें, ये है पेज 1 of 1, वर्ड है इसमें 84, ठीक है। इसको अलावा इसको क्लिक करें तो ये भी दे रहा है पेज वर्ड्स करेक्टर विद नो स्पेस, करेक्टर विद स्पेसेस, पैराग्राफ्स और लाइन्स। तो ये इसका दूसरा यानी कि जो तरीका है, आप इसमें जाएं रिव्यू में मेन्यू बार में से, और ये देखें वर्ड काउंट।
तो ये आपका यहां भी यही वो ही कुछ शो कर देगा। तो वर्ड काउंट के दो तरीके हैं, एक तो है आप स्टेटस बार में से जाकर देखें, और दूसरा जो है मेन्यू बार में से रिव्यू में जाएं और जो है वहां से आप जो है वर्ड काउंट को क्लिक करें। नेक्स्ट है काउंटिंग वर्ड्स, ये हमने कर लिया, ये इस तरह का डायग्राम हमने देख लिया। आगे है फाइंड टेक्स्ट, हमने किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है और इसको रिप्लेस करना है। व्हेन अ यूजर वर्क्स विद द लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स, द क्विकेस्ट एंड द इजिएस्ट वे टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इज टू यूज फाइंड कमांड्स। तो फाइंड कमांड्स जो है वो भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं, जिस तरह हमने पहले जो है वो यानी कि अकाउंट वर्ड में की, टाइपिंग द फॉलोइंग पैराग्राफ्स एंड सेव इट टू द जेनर डॉक्यूमेंट्स। हमने इसको सेव ऑलरेडी कर लिया, तो हम देखते हैं ऑन दिस होम पेज द एडिंग ग्रुप क्लिक द कंट्रोल एफ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। तो हमने इसको ये देखते हैं, इसका जिना को फाइंड किया, तो इसको ये इसमें क्या फाइंड करना चाहता है, ठीक है, जिना के लफ्ज़ को ये फाइंड करना चाहता है, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। और रिप्लेस किसके साथ कर रहे हैं, रिप्लेस भी इसको किसी चीज़ के साथ कर रहा है, कायदे आज़म के साथ, ठीक है। तो हम इसको पहले फाइंड करेंगे जो कि हमारा यहाँ इसमें टास्क है। तो देखें प्रैक्टिकली भी जाकर हम देखते हैं, सपोज यहाँ जना ये लफ्ज़ है, तो इसके दो तरीके हैं, एक तो है कंट्रोल एफ से इसको फाइंड कर सकते हैं, और ये भी नहीं है तो इधर से ये है दिया गया है, इसको कंट्रोल एफ ये करें, तो हम यहाँ से लिखेंगे जना JINNAH, तो सर्च करा देते हैं। ये हमारे पास तीन अल्फाज हैं जना के इस डॉक्यूमेंट्स में, तो इसको हम रिप्लेस किसके साथ करना चाहते हैं, विद कायदे आजम के साथ, तो इसको रिप्लेस यहाँ से करें, कायदे आजम QUAID आजम AZAM, तो हम इसको रिप्लेस ऑल या रिप्लेस वन बाय वन, देखें एक से की किया अब दूसरे पे कर दें, तीसरे पे कर दें, तो ये तमाम जितने भी तीन अल्फाज थे, कहते हैं वर्ड हैज सर्च द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो ये हमारा जो है तकरीबन तीन लफ्ज थे जिना के नाम से, जिसको हमने कायदे आजम से रिप्लेस कर दिया। नंबर इसके लिए शॉर्टेस्ट कमांड है कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ से भी हो जाता है और कंट्रोल एच से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। ये हमारा एक था फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, वो हमने करके दिखा दिया आपको। इसके बाद है रिप्लेस ऑल हो गए, कायदे आजम के साथ रिप्लेस हो गया यूजिंग द थिसासरियस, कहते हैं थिसासरियस सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग टू द सिलेक्टेड वर्ड्स यूजिंग द रिसर्च टास्क पैन, अ यूजर कैन लुक अप सिनोनिमस डिफरेंट वर्ड्स एंड विद द सेम मीनिंग एंड द एटोनिमस वर्ड्स ऑफ द अपोजिट मीनिंग इन द थिसासरस। यूजिंग ऑफ थिसासरस किस तरह करना है, तो इसको कोई एक लफ्ज़ ले लें और उसको उसके साथ रिप्लेस कर दें। सपोज हमने यहाँ जो है रिटर्न का लफ्ज़ है, तो इसका हमने पहले मीनिंग देखनी है कि इसके मीनिंग क्या है, ठीक है। ये देखें इसके मीनिंग जो है, ये उसने रीअपियरेंस रीअक्रेंस, तो ये अराइवल, ठीक है, ये मुख्तलिफ इसके उसने रिटर्न, तो जो है वापसी होता है, रिटर्न होता है कम बैक आना, रीअपियर रीनो रीअक्रेंस होम कमिंग दोबारा यानी कि घर को आना अराइवल, ये इसके मीनिंग है। तो इसको हम यानी कि फाइंड कर सकते हैं किसी भी मीनिंग का लव, सपोज हम इसको फाउंड से करते हैं, फाउंड का क्या मीनिंग है, तो
उसको हम यहां टाइप कर देते हैं और इसका मीनिंग ढूंढ लेते हैं। तो सर्च करते हैं, ओरिजिनेट, क्रिएट, स्टार्ट, इनिशिएट, तो ये मुख्तलिफ इसके मीनिंग है यहाँ। तो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, आगे हमारा क्या है। तो ये मुख्तलिफ जो है, इसी तरह उसने मुख्तलिफ इसके मीनिंग बताए गए हैं कि एक ही वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग जो है क्या है। तो अराइवल का जो है उसने, यानी कि उसमें लिखा हुआ है, वो उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। इसके बाद है इंसर्टिंग अ सिंबल। सिंबल को किस तरह आप अपने पैराग्राफ्स में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्टिंग अ सिंबल जो है, इंसर्ट में जाएं और सिंबल्स जो है आप इसमें, यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ जो है, सिंबल्स में जाएं, यानी कि करेंगे हम। तो इसका हम देखते हैं, तो क्लिक करें, इंसर्ट में जाएंगे, फिर सिंबल्स इक्वेशन है तो वो देखते हैं, इंसर्ट, और इसके बाद ये आपको नज़र आ रही है इक्वेशन, मैथमेटिक्स इक्वेशन है, ये सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स, मोर सिंबल्स क्लिक करेंगे तो ये आप देखें कि ये मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं। आगे ये जो आप जगह सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपका जो है सिंबल डिस्प्ले हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से ये देखें, ये उर्दू में है, आपने राइटिंग लिखनी है, वो मुख्तलिफ जो है सिंबल जो है ये देखें। ये मसलन ये ओके इंसर्ट करें, फिर ये दूसरा इंसर्ट कर दें। ये मुख्तलिफ जो है आप अपने सिंबल जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको मुख्तलिफ जो है सिंबल इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आप इसका साइज कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंसर्ट ऑफ सिंबल्स। स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिकल वगैरह भी करके दिखा रहा हूँ। किंग क्लिक सिंबल्स इन द इंसर्ट टैब्स। तो ये जिस तरह ये दिखाया गया, बॉक्स खुल जाएगा और इसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिंगल जो है इंसर्ट सिंबल्स कर सकते हैं। तो आगे है एडिंग कमेंट्स। अपने कमेंट्स अगर डालने हैं किसी भी चीज़ के साथ, उसको हाईलाइट करें और उसके साथ कमेंट डाल देते हैं। आ कमेंट्स का अबाउट अ सिलेक्टेड टेक्स्ट कैन बी एडिट इन द डॉक्यूमेंट्स। अ कमेंट्स कैन बी अ नोट, एक्सप्लेनेशन और रिमाइंडर दैट अ यूजर एड टू द डॉक्यूमेंट्स। वर्ड्स, डिस्प्ले द कमेंट्स इन अ बैलून इन द लेंथ मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर इन द रिव्यूइंग पैन। एडिंग अ कमेंट्स, हम ये देखते हैं, उसको खोलें, किसी भी चीज़ को हमने फर्जगी जिना की जगह कायद अज़म लिखा है, तो मैं यानी कि कायदे आज़म को हम यहाँ हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करके इसके साथ कमेंट्स लिखेंगे और इसके बाद इसको आपको डिलीट करके भी दिखाएंगे। सपोज यहाँ कायदे आज़म है, जिना की जगह हमने लिखा है, तो इंसर्ट जो है कमेंट्स वगैरह जो है इसमें हम देखेंगे। इंसर्ट कमेंट्स रिव्यू में जाएं और वहाँ से जाके आप अपने उसमें कमेंट्स डालें। ये देखें रिव्यू और जो है कमेंट्स, तो ये उसमें आप लिख सकते हैं, जिना वाज द ग्रेट लीडर ऑफ सब कंटिनेंट मुस्लिम्स, ठीक है। ही स्ट्रगल फॉर द सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स, फॉर इंडियन
मुस्लिम्स, ठीक है, इतना के लिखते हैं। तो ये इसमें कमेंट्स ऐड हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक में, यानी कि इसको क्या करना है, आफ्टर टाइपिंग द कमेंट्स क्लिक आउटसाइड द कमेंट्स बैलून। तो अब ये कहते हैं इसको डिलीट भी करके दिखाएं। आ यूज़र कैन डिलीट द कमेंट्स एंड रिमूव द कलर हाईलाइटेड एंड ब्रैकेट्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। क्लिक द कमेंट्स बैलून कंटेनिंग द कमेंट्स इन द रिव्यू टैब्स इन द कमेंट्स ग्रुप। क्लिक डिलीट कमेंट बटन। अब हमने इसको डिलीट भी करके दिखाना है, ठीक है। तो ये इसको क्लिक कर दें, राइट क्लिक कर दें, और इसको बेशक यहीं ये यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम दोबारा हाज़िर होंगे। स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।